वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसटी। दोस्तों दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 6 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30 के वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर मैं कोई भी PDF से रिलेटेड या कोई भी नोटिफिकेशन देता हूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाती है। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, देखो क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि साइन ए, देखो साइन 3x-6 इज इक्वल टू कॉस 6x-3। अब देखो मैंने एक तो x की वैल्यू ज्ञात करो, मैंने एक कंडीशन बताई थी, अगर आप पता होगा तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बी होता है। कब होता है, जब ए प्लस बी कंडीशन क्या था, 90 डिग्री हो, ठीक है। और ये मैंने आपको पार्ट 4 और 5 में कंप्लीट कराया हूं, तो आप नहीं देखें तो पार्ट 4 और 5 देख लें पहले, तब साके समझ में आएगी। तो देखो ये साइन, ये ए की वैल्यू है, ये क्या है, बी के वैल्यू है। ये कब पॉसिबल, दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब ए प्लस बी का वैल्यू सम 90 डिग्री हो। ए की वैल्यू क्या है, 3x-6, और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 6x-3 इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। लो मैं इनको जोड़ दूँ, देखो 6+3 कितना हो गया 9x, और ये -6 और -3 कितना हो गया, -9 इज इक्वल टू क्या 90। तो यहाँ से कर लूँ 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो गया 99 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 11 डिग्री, कर लो 11 × 99 कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कोसेक 51 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 1 / cosec² 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस टेन स्क्वायर 39 माइनस 1 / sin 51 और sec 39। मैं क्वेश्चन को ही लिख देता हूँ, 1 / क्वेश्चन कर रहा है कि कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1 / sin 51 इंटू क्या सेक 39 डिग्री। तो देखो मैंने, अगर आप पढ़े होंगे तो मैंने 2-3 रिजल्ट बताए हैं, अगर आप पार्ट 4 पार्ट 5 देखेंगे तो एक मैंने रिजल्ट क्या बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी होता है 1, कब होता है, जब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन बताई थी वहां पे कि साइन ए इज इक्वल टू क्या, साइन ए इंटू सेक बी कब होता है 1, जब ए प्लस बी फिर क्या हो 90 डिग्री हो। तो देखो आप अपने से सोचो, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में साइन ए इंटू सेक बी 1 कब हो सकता है, जब मैं जोड़ लूँ ए प्लस बी, ये ए और ये बी 51 और 39 को जोड़ लूँ क्या होगा 90 होगा। अगर 90 हो रहा है ए प्लस बी तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनकी 1, यानी ये 1 हो गया, कोई दिक्कत है। अब मैं इसको चेंज कर लूँ, देखो दूसरी चीज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 / cosec θ। लो तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ये वाले को हम क्या ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये वाला चीज क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ साइन स्क्वायर 39 डिग्री, और इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ टेन स्क्वायर 39 डिग्री, और ये क्या 1/1 कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये चीजें क्या 1 हो सकती हैं, मैंने अगेन देखो ये वाला रिजल्ट मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करा सकूँ। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है 1 होता है, कब, जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो। 51 और 39 को जोड़ो 90 हो रहा है, यानी इनकी वैल्यू दोनों का सम कितना हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ये 1 हो गई, प्लस इधर क्या है तुम्हारा टेन स्क्वायर 39 डिग्री, और ये क्या रह गया इधर -1 1 - 1 + 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारा टेन स्क्वायर 39 डिग्री। अब देखो टेन स्क्वायर 39 डिग्री आपके पास बच गया। अब आपको एक रिलेशन बताया था, अगर रिलेशन पता होगा देखो तो यहां फिर से मैं बता देता हूं, देखो कोसेक, ठीक है कोसेक 51 डिग्री इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स है, मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक 90 - 39 डिग्री इज इक्वल टू क्या एक्स, क्योंकि ये करूंगा तो 51 को 90 - 39 लिखूंगा तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 51 डिग्री हो जाएगा। अगेन आपको बता दूं कोसेक 90 - θ मैंने बताया था क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा सेक थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है ये तो 39 इज इक्वल टू क्या एक्स, कोई दिक्कत है। और एक और रिलेशन बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1,
अगर ये 1 होता है तो अगर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा क्या, इसको मैं इधर भेज दूँ तो tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो लो हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर 39 माइनस 1, और इसकी वैल्यू देखो हमें पता है sec स्क्वायर 39 क्या है तुम्हारा x, तो x का स्क्वायर माइनस 1 यानी क्या x स्क्वायर माइनस 1, और x स्क्वायर माइनस 1 ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इतना आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए किया था, अदरवाइज ये सब चीज़ें मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप एग्जाम पर्पस में कर रहे हो तो। वन लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है क्वेश्चन नंबर 28 को देखो क्या कर लेते हैं, सिंपल सा चीज़, इसको मैं ऐसे ही रह देता हूँ कॉट 18 डिग्री। ये क्वेश्चन कर रहा है कॉट 18 डिग्री, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, कॉट 72 डिग्री, सेक स्क्वायर 22 इंटू टेन 72। तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगा वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको ऐसे ही लिखने दो, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री इंटू क्या कॉट 72 डिग्री, प्लस इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस स्क्वायर 22 डिग्री हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 22 डिग्री ये हो गया, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये टेन 72 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉट 72 डिग्री। अब थोड़ी सी देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉट 72, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉट 18 इंटू क्या हो गया कॉट 72 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, प्लस इधर क्या बन जाएगा सीधर इधर ये बचेगा और इधर क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। मैंने क्या किया था, सिर्फ ये दोनों को बाहर निकाल दिया था। अब अपने से माइंड में एक चीज मैंने अगेन आपको थोड़ा सा समझाया था, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का क्या होता है 1, कब होता है जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। दूसरी चीज एक और बताया था कि कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है, कब होता है जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो चेक कर लो कॉट a इंटू कॉट बी, 18 72 को जोड़ोगे 90 होगा, तो इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या मतलब क्या मल्टीप्लाई, इनकी वैल्यू क्या हो गई 1, कोई दिक्कत है। उसी तरह देखो इन दोनों को जोड़ो कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b, 68 और 22 को जोड़ोगे 90 हो जाएगा, यानी इनकी वैल्यू दोनों का सम की वैल्यू क्या होगी 1, यानी क्या हो गया 1 इंटू 1 यानी कि क्या 1, और ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो साइन स्क्वायर 1, उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर 5 प्लस प्लस ऐसे क्या साइन स्क्वायर 90। अब आपके पास एक माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि हम इसको कैसे क्वेश्चन को डील करें, कैसे क्वेश्चन को डील करें, सबसे बड़ी चीज ये है। तो देखो मैंने एक रिजल्ट क्या बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है 1 होता है, कब जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन आसानी से बनता है, देखो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत है, इसकी वैल्यू तो पता है। इससे पहले क्या होगा साइन, देखो इससे पहले क्या होगा आपको थोड़ा सा सोचो, 5 का मल्टीपल चल रहा है ना, देखो 1 के बाद क्या है 5, 5 के बाद ऐसे साइन स्क्वायर यहां पे क्या होगा 89 भी होगा। अब देखो साइन स्क्वायर 89 भी होगा तो यहां पे तुम अपने से सोचो, देखो इससे पहले ये होगा तो अपने से सोचो क्या ये और ये देखो 1 है और यहां पे 89 है, इन दोनों का सम क्या हो रहा है 90, 89 और क्या 190, और 90 होगा तो ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है 1, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। उसी तरह यहाँ से और यहाँ पे 85 होगा साइन स्क्वायर 85, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो अब हमें ये पता करना होगा कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे जो वैल्यू 1 होंगे, तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म निकाला जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने ऐसे नंबर हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा आखिरी माइनस पहली डिवाइडेड बाई डी, डी का मतलब क्या है वो भी चीज समझाता हूं, डी प्लस 1, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का गैप, नेक्स्ट वाले गैप, तो देखो 1 से 5 के बीच कितना का गैप है 4 का, तो आखिरी कितना है 89, पहला कितना है 1, गैप कितना है दोनों के बीच कितने का चल रहा है 4 का, और प्लस ये 1, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 यानी क्या हो गया 22 प्लस 1 यानी क्या हो गया 23,
23 तो हो गया, नंबर ऑफ टर्म 23 हो गया, लेकिन हमें पेयर कितना चाहिए, दो लोगों का सम क्या होना चाहिए, 1। तो मैं इसको दो से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, दो से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 दुनी 22, 11 सही 1/2, यानी कि इतना से इतना तक की वैल्यू अगर क्या करूंगा, 11 से ही 1/2 लिख दूंगा। और एक वैल्यू इसकी साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर, ये 11 और एक कितना हो गया 12.5, और ये क्या है हाफ, 12.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी को लिखना है तो क्या लिखोगे, 12 दुनी 24, 25/2, 25/2 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। मैं क्यों दो से डिवाइड किया हूँ, क्योंकि देखो मैं दो से क्यों डिवाइड किया हूँ वो भी चीज़ आपको समझा देता हूँ। दो से डिवाइड इसलिए किया हूँ क्योंकि दो पेयर मिलके, दो जोड़े मिलके एक बना रहे हैं, तो दो से भाग करूँगा तो 11 पेयर ऐसे होंगे और हाफ ये होगा, एक बचेगा हाफ, क्योंकि भाग दे लो दो से तो इतना बचेगा, और एक वैल्यू लास्ट की हमारे पास साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू पता ही थी क्या होती है, 1, तो मैंने 1 ये जोड़ दिया, तो इस तरह से 25/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 ये कर रहा है, साइन स्क्वायर 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद क्या होगा 30, साइन स्क्वायर 30, इस तरह से 40, 50, 60, 70, 80 चला जाएगा। तो देखो मैंने अगेन आपको रिजल्ट बताता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 1 होता है, कब, जब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम दो वे से करते हैं, कैसे दो वे से, तुम देखो साइन स्क्वायर 10 है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर 80 भी होगा, तो लो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 क्या हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। दूसरा साइन स्क्वायर 20 और प्लस साइन स्क्वायर 60 होगा, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। उसी तरह आगे नेक्स्ट क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 50 भी इसी में आएगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो 40 है इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 70 होगा ना, तब तो वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे क्या 60 और यहाँ पे क्या होगा 50, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब तो तुम्हारा सिर्फ बचा क्या, ये तो सारा चीज़ें हमने लिख लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये सारे आ गए, इसकी वैल्यू 1, 1, 1, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 तो ये हो गया, और एक ये वैल्यू आपको लास्ट में दिया साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 क्या हो गया आंसर हो गया। या तो इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे क्या, जैसे मैंने अभी बताया 10, 20, 30, 40 ऐसे जा रहा है, तुम सोचो अपने से माइंड में सोचो, हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म क्या मतलब, मैंने बताया था कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई नंबर डी, डी में डी का मतलब दोनों का गैप कितना हो गया 10 का और प्लस 1, कोई दिक्कत है, 10 में से और 20 में से 10, 10 10 का गैप चला, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, तो इस तरह से तुम्हारा कितना हो गया 70, ठीक है 70/10 प्लस 1 यानी कि 7, ये 7 प्लस 1 यानी कि 8 आ गया। अब 8 तो आ गया, 8 नंबर ऑफ टर्म है, इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि दो का पेयर 1 हो रहा है ना, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो क्या आ गई 4, और एक वैल्यू ये है जिसकी वैल्यू पता थी, पता क्या थी, साइन स्क्वायर 90 कितना, साइन 90 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 इसमें जोड़ दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा 5, यही सेम क्वेश्चन था, इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं है ना कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, इसीलिए, क्योंकि 10 के बाद 20 बढ़ा है, 20 के बाद 30, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूँ, चलो फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे देखो ऐसे दिया कि 1+2+3+4+5, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, एन की वैल्यू क्या लिख देता 5, डायरेक्ट ये चीज निकाल लेता, लेकिन इसमें 10 के बाद 20 ऐसे मेंशन है तो ये पता नहीं चला। एक तो दूसरा वे है कि 10/8 होता है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 8, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो नंबर ऑफ 8, तो 8 को 2 से भाग कर लेते तो 4 आ जाता यहां तक का, और इसका एक जोड़ देते 5 हो जाता। आप क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हो, मैं सिंपलेस्ट वे से करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आपको सच में मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप मेरे चैनल पे अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं थोड़ा बहुत मनी, तो आप पेटीएम के थ्रू मेरे दे सकते हैं। ये है मेरा पेटीएम नंबर 7837400493, ये है मेरा पेटीएम नंबर,
आप मेरे को, मेरी टीम को, मेरे वर्क को आप डोनेट कर सकते हैं ताकि मैं सारा का सारा चीज़ मैथ इंग्लिश रीजनिंग सारा कुछ प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।